हमले में 4 जवान शहीद हो गए हैं जबकि 3 जवान जख्मी हैं। आतंकियों ने डेरा की गली से बफलियास की तरफ आ रहे सेना के 2 वाहनों जिप्सी और 1.5 टन वाहन पर सावनी गली के पास घात ऑपरेशन चलाया है। बड़े पैमाने पर यह सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, डेरा की गली से लेकर बफलियास तक लगभग 12 किलोमीटर का यह स्ट्रेच है जो घने जंगल में पड़ता है और यहीं पर एक ब्लाइंड कर्व के पास घात लगाकर आतंकवादी पहुंचे हुए थे और सेना के वाहन पर उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर दी। 4 जवान इसमें शहीद हुए हैं, 3 जवान जख्मी हैं जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं डेरा की गली इलाके में। यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ सेना की जो टुकड़ियां हैं बिल्कुल लगातार यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रही हैं और ये जो एरिया है बहुत ही दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है। आप देख सकते हैं कि कितनी ऊंची पहाड़ियां हैं, घने जंगल हैं। यही घने जंगलों का जो सहारा है वो टेररिस्ट ले रहे हैं। और कल हमने देखा था कि लगभग 4 बजे के करीब जब सेना की एक टुकड़ी जा रही थी और एक गाड़ी पर हमला किया था आतंकियों ने जिसमें 4 सैनिक शहीद हो गए थे और 3 में भर्ती कर दिया गया है। अभी भी ये ऑपरेशन चल रहा है और सेना की लगातार ये कोशिश है कि जो आतंकी यहाँ छुपे हुए हैं उनको ढेर कर दिया जाए। हम आपको बता दें कि जो इनिशियल इनपुट्स हैं उसके मुताबिक हुए हैं और सेना लगातार इसको इस एरिया को कॉर्डन ऑफ किए हुए है और कोशिश ये की जा रही है कि इस एनकाउंटर को खत्म किया जाए और जो आतंकी यहाँ छुपे हुए हैं उन्हें ढेर। ये जो इलाका है काफी घना जंगल है, नेचुरल केव्स यहाँ हैं और उसी का सहारा लेके आतंकी अभी तक छुपने में कामयाब लगातार यहाँ ऑपरेशन कर रही है और कोशिश। बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जिस तरह से काराना करतूत आतंकवादियों ने यहाँ पर इसे अंजाम दिया है, 4 जवान इसमें शहीद और उसके बाद से लगातार पूरे इलाके में जो है तलाशी अभियान चलाया जा रहा है जिसमें सेना के साथ SOG पुलिस और CRPF भी जो लगी है और पूरे जो 12 से 13 भी नहीं गुजरते थे लेकिन सुरक्षा बलों की कोशिशों के बाद जो है यहां पर अमन शांति आई थी और अब जो अमन से रह रहे थे लेकिन इस बार इलाके में फिर से शांति हो सके। बिल्कुल मुनीश, आप लगातार बने रहे। मनोज कौल भी हमारे सहयोगी से खबर पर जुड़ गए हैं। मनोज, लगभग ये जो प्रॉपर प्लानिंग आतंकवादियों की थी, रेकी उन्होंने पूरे इलाके की कर रखी थी और फिर इस ब्लाइंड कर्व के पास यहाँ पर घात लगाकर बैठे थे और उन्हें पता था कि इस वक्त सेना की गाड़ी पहुंचेगी और उन्हें हमला करना है। यानी हुआ है, बिल्कुल हम उस रोड पे खड़े हैं। ये डेरा की गली का इलाका है, ये जो रोड है इसी रोड पर आगे जब एक एनकाउंटर की खबर लगभग 4:45 के करीब सेना की 2 वाहनों पर वहां पर हमला किया गया जिसमें सेना के 3 जो जवान हैं में अभी तक शहीद हो गए हैं और 3 जो हैं वो जख्मी हो गए हैं। अब देख सकते हैं कि ये टर्न ऑफ किया गया है, सेना के जो जवान हैं वो लगातार यहां पर डटे हुए हैं और ये जो इलाका है मैं अब कोशिश लगातार सिक्योरिटी फोर्सेज की ये है कि यहां पर जो आतंकी है जिन पाई जा रही है जो इनिशियल इनपुट्स थे ऐसा माना जा रहा है कि 2 से 3 आतंकी यहां पर क्योंकि कुछ नेचुरल केव्स होती है, घने जंगल है जिनका फायदा उठाकर आतंकी यहां पर छुपे हुए हैं ताकि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान जो हैं वो भी वहां भेजे गए हैं ऑपरेशन के लिए। वरना कोशिश ये करें कि जल्दी से जल्दी उन्हें ढेर कर दिया जाए और इस ऑपरेशन को कॉल ऑफ किया जाए। बिल्कुल, मैंने कि कुछ जो यहां पर स्थानीय लोग हैं, कुछ जो गांव वाले हैं, इस ऑपरेशन को इस पर भी फायरिंग करने की कोशिश की, इस तरह के भी कुछ इनपुट्स निकल कर आ रहे हैं सामने। तो क्या गांव के अंदर भी बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा, हो सकता है कहीं वो नहीं है, कोई भी गांव नहीं है। डेरा गली से लेके बफलियास के बीच में जो ये खाली इलाका है और जंगल का इलाका है। और अगर बात करें आपको इस इलाके की तो इस इलाका किया था और वहां भी 5 जवान शहीद हुए थे जिनमें एक JCO था। तो ये जो पूरा खाली इलाका है और खाली इलाके का ही वो लाभ उठाते हैं क्योंकि रिहायशी इलाका नहीं, अभी तक यही है कि ये पूरा इलाका खाली इलाका है। और इस इलाके में 2000 में भी जो है हमारे पूंछ के एक सेशन जज थे, उनके वाहन पर हमला करके उनको भी शहीद, कहीं ना कहीं जो पूरा जो जंगल का इलाका है वहाँ एडवांटेज यही रहती है दहशतगर्दों को कि वहाँ उनको छुपने के लिए जगह मिल जाती है। और ये काफी दूर तक जो इलाका जो है अगर बात करेंगे तो आगे जाकर ये भाटा दूरी के साथ मिलता है, उसका जो लाभ जो आतंकी उठाते हैं इस में।
बिल्कुल भाटा धुरियान वही इलाका है जहां पर लगभग 21 दिनों तक सर्च ऑपरेशन चलाया गया था और एक भी आतंकवादी वहां पर नहीं मिला था, लेकिन बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। मनोज, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, और जिस तरह से इस काराना करतूत को आतंकवादियों ने अंजाम दिया है और जो जानकारियां मुनीश हमें दे रहे हैं कि जब घाटी में आतंकवाद अपने चरम पर था तो यही वो इलाका था जिसका सहारा लेते हुए घाटी में प्रवेश करते थे तमाम आतंकवादी, लेकिन फिर जैसे जैसे नकेल कसी गई यहां पर आतंकवादी गतिविधियां कम होती चली गई। लेकिन अब क्योंकि कश्मीर में नकेल कसी जा रही आतंकवाद पर, तो राजौरी और पुंछ को निशाना बनाया है आतंकवादियों ने एक बार फिर से, और यही कारण है कि यह लगभग सातवां बड़ा आतंकी हमला है जो 2023 में आतंकवादियों ने इस बार किया है। जी हाँ बिल्कुल जैस्मिन, देखिए जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेज ने लगातार नकेल कसी है आतंकियों की कश्मीर घाटी के अंदर, और वहां हमने देखा कि बड़े बड़े कमांडर्स और बाकी जो कैडर्स है उनको न्यूट्रलाइज किया गया, और जिसके बाद अब पाकिस्तान का निशाना जो है वो राजौरी और पूंछ का इलाका है। यहां दो चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है जैस्मिन, एक ये कि जो राजौरी और पूंछ का इलाका है ये कंट्रोल लाइन के साथ सटा हुआ है, यानी यहां से इन्फिल्ट्रेशन की जा सकती है। और जैसा कि हमारे साथी मुनीश बता रहे थे कि पहले हमने ये देखा था कि जब राजौरी और पूंछ से इन्फिल्ट्रेट करते थे आतंकी, तो उसके बाद जो मुगल रोड का इलाका है वहां से वो कश्मीर घाटी की तरफ जाते थे, लेकिन वहां अब नकेल कसी गई है। और अब जो कोशिश आतंकियों की ये है और उनके आकाओं की ये है पाकिस्तान की कि राजौरी और पूंछ में एक बार फिर आतंक को बढ़ावा दिया जाए, यही वजह है कि हमने देखा कि पिछले 2-3 साल में यहां लगातार सर्ज देखा गया है, जो आतंकियों की गतिविधियां हैं वो बढ़ी हैं। और यहां हमने पहले भी देखा था, अभी राजौरी में भी इस तरह का एक हमला हुआ था सेना पर जिसमें 5 जो अधिकारी हैं सेना के वो शहीद हो गए थे, और आज जिस तरह से कल यहां पर एक और हमला अंजाम दिया गया है जिसमें सेना के 4 जवान शहीद हो गए हैं और 3 अन्य घायल हो चुके हैं। तो लगातार पाकिस्तान की ये कोशिश है कि ये जो इलाका है इस इलाके में जो पुराने जो स्लीपर सेल्स हैं, ये भी बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे आतंकी जिन्होंने सरेंडर किया था लेकिन अब उनको दोबारा वो आतंकवाद की तरफ ले आ रहे हैं और उनकी मदद ली जा रही है इन आतंकियों को यहां पर पनाह देने के लिए, यहां पर उन्हें हर तरह का सपोर्ट दिया जा रहा है। हालांकि यहाँ के जो लोग हैं जैस्मिन, हमने देखा है कि यहाँ के लोग जो स्थानीय लोग हैं ज्यादातर लोग आतंकवाद के खिलाफ हैं क्योंकि उन्होंने पहले आतंकवाद झेला है और वो ये नहीं चाहते हैं कि इस एरिया में आतंकवाद फिर से फैले, लेकिन कुछ ऐसे तत्व जरूर मौजूद हैं जो आतंकवाद को यहाँ अभी समर्थन कर रहे हैं। यही वजह है कि यहाँ जो आतंकवादी हैं वो अपनी घटनाएं अंजाम देने में यहाँ पर अभी तक किसी हद तक हम ये कह सकते हैं सफल रहे हैं। हालांकि और पुलिस की लगातार कार्रवाइयों से हमने देखा हुआ है, देखा कि यहां जो आतंकी हैं 30 के करीब आतंकी पिछले 1-2 साल में यहां पर ढेर कर दिए गए हैं, लेकिन लगातार आतंकियों की यही कोशिश है कि सेना को निशाना बनाया जाए। और कल भी हमने देखा कि एक बार फिर सेना को निशाना बनाया गया है जिसमें 3 जो सेना के जवान हैं, 4 सेना के जवान हैं माफ कीजिएगा, वो शहीद हो गए हैं और 3 अन्य घायल हो गए हैं। तो लगातार पाकिस्तान की यही कोशिश है कि राजौरी और पूंछ में यहां किसी तरीके से आतंकवाद को एक बार फिर फैलाया जाए, लेकिन कोशिश यहां प्रशासन की अगर बात करें तो प्रशासन भी अपनी तरह से पूरी कोशिश कर रहा है और सिक्योरिटी फोर्सेज जिसमें आर्मी है या जम्मू कश्मीर पुलिस है वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि आतंकियों की जितनी भी गतिविधियां हैं उन पर अंकुश लगाया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं आतंकी फिलहाल इस सेना पर हमले अंजाम देने में कामयाब रहे हैं, लेकिन उसका हरगिज ये मतलब नहीं कि आतंक यहाँ ये जो पूरा इलाका है चाहे राजौरी का इलाका हो या पूंछ का इलाका हो, यहाँ आतंकवाद जो हम ये कह सकते हैं कि आतंकवाद ज्यादा बड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ हमने देखा कि जितने भी आतंकी यहाँ देखे वो ज्यादातर फॉरेन टेररिस्ट, यानी पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि वहां से आतंकियों को भेजा जाए क्योंकि लोकल जो यहाँ का स्थानीय जो यूथ है जो यहाँ का युवा है वो आतंकवाद की तरफ अब भी मायल नहीं हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान चूंकि कश्मीर में अमन जिस तरह से लौट रहा है तो उससे पाकिस्तान बौखला गया है और उसकी कोशिश यही है कि राजौरी और पूंछ का जो ये इलाका है जो कंट्रोल लाइन के साथ इलाका सटा हुआ है और साथ ही यहां जिस तरह की टोपोग्राफी है जहां आतंकियों को छुपने की जगह मिल पाती है यहां आतंकवाद को और बढ़ावा दिया जाए। बिल्कुल मनोज, ये स्थापित हो चुका है कि आतंकवादियों ने बीते 2-3 सालों का जैसे आपने जिक्र
जिक्र किया कि इस इलाके में आतंकवादी गतिविधियां इसलिए बढ़ी हैं क्योंकि घाटी में कहीं ना कहीं लगाम कसी जा रही है, नकेल कसी जा रही है आतंकवाद पर, और यही कारण है कि यहां से जो फॉरेन आतंकवादी हैं वो इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं या फिर यहां पर छुपे होते हैं और इस तरह से घटनाओं को अंजाम देते हैं। और अब ये पता चल चुका है कि उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव किया है। दिवाली से ठीक पहले आपको याद होगा इसी तरह से सेना के वाहन को उन्होंने आग के हवाले कर दिया था जिसमें कुछ जवान शहीद हो गए थे और कुछ जख्मी हुए थे। दिवाली का सामान लेकर वो गांव में वितरित करने के लिए जा रहे थे, उस वक्त उन्होंने हमला किया था। और यही राजौरी पुंछ के जंगल, भाटा धुरियान के ये जंगल, और इन जंगलों का सहारा लेकर अब आतंकवादी यहां पर छुपे होते हैं, घात लगाते हैं, सुनियोजित तरीके से साजिश रचते हैं और फिर सेना पर हमला करते हैं। उनकी ये स्ट्रैटेजी अब कम से कम इसका खुलासा हो गया है, तो नहीं लगता कि अब सेना को भी थोड़ा सी अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव करने की जरूरत है? बिल्कुल, जिस तरह से आतंकी अपनी स्ट्रैटेजी बदलते रहे हैं, हमने देखा कि अलग अलग तरीके से जो पाकिस्तान की, तो जब लगता है कि आतंकियों पर नकेल कसी जा रही है तो वो अपनी स्ट्रैटेजी बदल देते हैं और सेना भी लगातार अपनी स्ट्रैटेजी में तब्दीली करती रहती है। और लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ जैस्मिन ये है कि जो हम यहाँ की टोपोग्राफी की जिसका हम पहले भी जिक्र कर रहे थे, अब मैं आपको फिर ये दिखाना चाहूंगा कि ये इस तरह के घने जंगलात हैं। आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर आतंकी छुपे हैं तो उनको जल्दी से जल्दी ढेर करना इतना आसान नहीं होता और यहाँ पर लोकेट करना भी आसान नहीं होता। हालांकि सेना के पास जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं या जो लोकल इनपुट्स आते हैं उसकी बिना पर यहाँ ऑपरेशंस लॉन्च किए जाते हैं, जैसा कि बुधवार को यहाँ एक इनपुट मिला था कि यहाँ कुछ आतंकियों की गतिविधियां देखी गई है, कुछ हरकत देखी गई है, 2 से 3 आतंकी यहाँ एरिया में घूमते हुए दिखाई देते, जिसके बाद एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं एक जरूर एक स्ट्रैटेजी आतंकियों की थी कि जिस इलाके के बारे में वो इनपुट मिला था उस इलाके से शायद आतंकी उस वक्त आगे की तरफ या दूसरी तरफ चले गए थे और जब भी जैसे ही वहां सेना के वाहन इसी रोड पे आगे जा रहे थे तो उन्होंने घात लगाकर हमला कर दिया जिसमें सेना को ये नुकसान उठाना पड़ा है। तो सेना लगातार अपनी स्ट्रैटेजी बदलती रही है, जिस तरीके से आतंकियों की जो स्ट्रैटेजीज हैं वो बदलती रही हैं। हालांकि वो जो डिटेल्स हैं वो हम ज्यादा बता नहीं सकते हैं कि आखिर किस तरह की स्ट्रैटेजी अब सेना ने अपना ली है, लेकिन ये जरूर है कि आतंकी जब अपनी स्ट्रैटेजी बदलते हैं तो उसके बाद सेना की तरफ से भी या जो बाकी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस है, सीआरपीएफ है, वो भी अपनी स्ट्रैटेजी बदलते हैं और कोशिश उनकी ये होती है कि जल्दी से जल्दी उन आतंकियों को ढेर कर दिया जाए। और हमने ये भी देखा, जैसे मैंने पहले बताया था कि जो राजौरी पुंछ का इलाका है जैस्मिन, ये इन्फिल्ट्रेशन रूट भी रहा है, यहां से इन्फिल्ट्रेशन भी होती है और ज्यादातर इन्फिल्ट्रेशन बिट्स हमने देखा कि जैसे कंट्रोल लाइन पार करने की कोशिश करते हैं आतंकी तो उन्हें वहीं पर ढेर किया जाता है। लेकिन वहां पर भी कुछ ऐसी ये जो टोपोग्राफी यहां की है इसी तरह की टोपोग्राफी कंट्रोल लाइन पर भी है, जिसकी वजह से कहीं कुछ ऐसी जगहों पर आते हैं कि इस बार आने में कामयाब हो जाते हैं और उसके बाद वो कोई ना कोई हमला अंजाम देते हैं। और हालांकि हमने देखा कि जब भी वो मेन लैंड पे आते हैं, इंटरलैंड पे आते हैं तो उन्हें वहां पर ढेर कर दिया जाता है, एनकाउंटर्स कई इस एरिया में भी देखे हैं पहले भी। लेकिन कुछ ऐसी बिल्कुल मनोज, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आतंकवादी पाकिस्तान से जो आते हैं हमला करने वो कितनी ही कोशिश कर लें, लेकिन हमारी सेनाएं बिल्कुल सक्षम है और कोशिश ये है कि जल्द से जल्द इन आतंकवादियों को ढूंढकर इन्हें ढेर किया जाए। बहुत शुक्रिया मुनीश और मनोज, आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। और खबर